हिंदू समुदाय में भगवान शिव का बहुत महत्व है, जिस वजह से भगवान शिव को अलग अलग रूपों में भारत के अलग अलग स्थानों में पूजा जाता है, जिनमें से एक है केदारनाथ। जहां से जुड़ी आस्था के अनुसार केदारनाथ जाने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही साथ केदारनाथ जाने वालों के जीवन भर के पाप भी धुल जाते हैं। लेकिन केदारनाथ का हिंदू समुदाय में इतना महत्व क्यों है, चलिए आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह प्राचीन और पवित्र मंदिर रुद्र हिमालय की श्रृंखलाओं पर बना हुआ है। हजारों साल पुराना यह मंदिर विशाल पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर की सीढ़ियों पर हमें प्राचीन शिलालेख भी दिखाई देते हैं। मंदिर के पवित्र स्थल की आंतरिक दीवारें पौराणिक कथाओं और बहुत से देवी देवताओं की चित्रकला से विभूषित है। प्रतिष्ठित मंदिर की उत्पत्ति के प्रमाण हमें महान महाकाव्य महाभारत में भी दिखाई देते हैं। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड में केदारनाथ की मंदाकिनी नदी के पास वाली घरवाल हिमालय श्रृंखलाओं पर बना हुआ है। चरम मौसम की स्थिति के कारण यह मंदिर अप्रैल से साधारणतः नवंबर तक ही खुला रहता है। सर्दियों के मौसम में केदारनाथ के भगवान शिव की मूर्ति को उखीमठ ले जाया जाता है और वहां 6 महीने तक उनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा केदारनाथ धाम के नाम से ही की जाती है। यह मंदिर 3581 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और सीधे रास्ते से आप इस मंदिर में नहीं जा सकते और गौरीकुंड से मंदिर तक जाने के लिए आपको 21 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करनी पड़ती है। मंदिर तक जाने के लिए गौरीकुंड में टट्टू और मेनन की सेवाएं भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था और आदि शंकराचार्य ने इसे पुनर्जीवित किया। साथ ही यह मंदिर 275 पादलपत्र स्थलों में से भी एक है। कहा जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ में तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। मंदिर के बाहर दरवाजे के पास नंदी का पुतला भी बना हुआ है, जो एक रक्षक का काम करता है। भारत के उत्तरी हिमालय के छोटे चार धामों में से यह मंदिर एक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह सर्वोच्च है। 2013 में उत्तर भारत में आई बाढ़ की वजह से केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ था। केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों को इस बाढ़ से काफ़ी क्षति भी पहुंची थी। लेकिन दोस्तों, मंदिर की शक्ति ही है कि इसके आंतरिक भागों को कोई ज़्यादा क्षति नहीं पहुँच पाई। दोस्तों, केदारनाथ से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले के इस स्थान पर भगवान विष्णु के रूप नर और नारायण ने तपस्या की थी, जिनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने का वरदान दिया था और यही नर नारायण द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। वहीं केदारनाथ को लेकर महाभारत से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार महाभारत के युद्ध में भ्रातृहत्या के पाप से मोक्ष पाने के लिए पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की और उनके दर्शन पाने के लिए काशी पहुँचे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से काफ़ी नाराज थे, जिस वजह से भगवान शिव काशी से चले गए और पांडवों को भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन पांडव भगवान शिव की तलाश में रुद्रप्रयाग के केदार नामक भ्रंग पर आ पहुँचे। लेकिन भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया और बाकी बैलों में जा मिले। पांडवों को इस बात का अंदेशा हो चुका था, जिस वजह से भीम ने विशाल रूप धारण कर अपना पैर 2 पर्वतों के बीच रख दिया। बाकी बैल भीम के पैर के नीचे से चले गए, लेकिन एक बैल ने पैर के नीचे से जाने से इनकार कर दिया। इस दौरान पांडवों के निष्ठा से खुश होकर भगवान शिव का क्रोध भी शांत हो चुका था, इसलिए उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने बैल रूप धारण किया था। यही कारण है कि आज भी भगवान शिव की बैल की पीठ के रूप में यहाँ पर पूजा होती है। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक